एनर्जी या रेजिलियंस डेवलप करने के लिए लोड लगाने का यह थर्ड मेथड है, इंपैक्ट लोडिंग या संगत भार। मान लीजिए कि एक एल लेंथ का बार है जो कि ऊपरी साइड में फिक्स है और इसके निचले सिरे पे एक कॉलर लगा हुआ है, ठीक। अगर यहां से एच हाइट से एक कोई लोड डब्लू गिराया जाता है जो इसमें इस कॉलर में इसकी लंबाई इंस्टेंटेनियसली डेल्टा एल बढ़ाता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इसके यहाँ पे स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब जब कॉलर जो कॉलर पे एच हाइट से लोड डब्लू गिरेगा तो इस लोड डब्लू के थ्रू कितना वर्क डन होगा पहले वो निकालेंगे, फिर उस वर्क डन को रेजिलेंस के स्टैंडर्ड फार्मूले में हम के इक्विवेलेंट हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए पहले वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, लोड डब्ल्यू है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लोड डब्ल्यू जो है पहले तो एच डिस्टेंस तक चलेगा, उसके बाद खट से जब इस पे लगेगा इंपैक्ट लोडिंग लगेगा तो ये कॉलर जो है माना इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक रूप से डेल्टा एल बढ़ जाता है, ठीक। तो लोड तो हो जाएगा W इंटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा H यहां तक प्लस डेल्टा L होगा, H प्लस डेल्टा L, ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक। अब वर्क डन जो होता है यही रेजिलेंस के इक्विवेलेंट होता है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू रेजिलियंस, मतलब वर्क डन डब्लू, डब्लू का अंदर गुणा कर देंगे डब्लू एच प्लस डब्लू डेल्टा एल इज इक्वल टू रेजिलेंस का वही फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई ए इंटू एल। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे इसका, तो लेकिन उससे पहले डेल्टा एल की वैल्यू हम पुट करेंगे, डेल्टा एल पहले जान चुके हैं आप, डेल्टा एल इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए और सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई ए इंटू एल हो जाएगा। अब हम पक्षांतर कर लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई ए एल माइनस डब्ल्यू सिग्मा एल अपॉन ई माइनस डब्ल्यू एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे ए एल अपान ए एल मतलब ये और ई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहां पे सिग्मा स्क्वायर अपान टू बचेगा माइनस बचेगा क्योंकि हम ए एल अपान ई कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो एल अपान ई तो है लेकिन ए नहीं है तो ए अपान में हो जाएगा डब्ल्यू सिग्मा अपान ए हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एच, इसमें तो कुछ नहीं कॉमन है तो हो जाएगा डब्ल्यू एच ई अपान ए एल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको सिग्मा मतलब स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू माइनस सिग्मा इंटू डब्ल्यू बाई ए माइनस डब्ल्यू एच ई बाई ए एल इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक इज इक्वल टू जीरो वाला, ठीक। अब ये जो है इसको हम सिद्धाचार फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिद्धाचार रूल क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन
टू ए, यहां पे क्या है, इस इक्वेशन का कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर, जब करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू देखिए ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्लू बाई ए, सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्लू एच ई बाई ए एल, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ए बी सी निकल गया। अब स्वैचार फॉर्मूला क्या होता है, बाई श्री धरा चार्य फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सीधा चार फॉर्मूला है, इसके में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, इसमें सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, माइनस बी मतलब माइनस माइनस डब्लू बाई ए, तो प्लस डब्लू बाई ए हो जाएगा, डब्लू बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब डब्लू बाई ए माइनस डब्लू बाई ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी माइनस डब्लू ए डब्लू एच ई बाई ए एल बाई टू ए, मीन्स टू इंटू ए की वैल्यू है हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसे मिटाना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हमको निकालना है सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट, अभी देखिए माइनस डब्लू बाई ए का होल स्क्वायर डब्लू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर प्लस टू डब्लू एच ई बाई ए एल, डब्लू एच ई बाई ए एल अपान में तो वन हो जाएगा, यहां वन ही तो बचेगा नीचे, ठीक है। अब सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाई ए प्लस माइनस अंडर, अब इन दोनों में डब्लू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डब्लू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डब्लू बाई ए का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या, वन प्लस टू डब्लू एच ई बाई ए एल। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसमें जो है जिसमें से हम कॉमन लेना चाहते थे उसमें इसके जस्ट वन बाई इस टर्म से गुणा कर देते हैं इंटू ए स्क्वायर बाई डब्लू स्क्वायर, ये हो जाएगा डब्लू से डब्लू कैंसिल ए से ए कैंसिल, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाई ए प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में डब्लू बाई ए का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा डब्लू बाई ए, बचेगा वन प्लस टू ई ए एच, ई ए एच बाई डब्लू एल, यही बचेगा, ठीक। अब इन दोनों में से डब्लू बाई ए कॉमन हो जाएगा, डब्लू बाई ए ब्रैकेट में वन प्लस माइनस डब्लू बाई, डब्लू बाई ए तो कॉमन ही हो गया, कहां बचेगा यहां पे अंडर रूट वन प्लस टू
ई ए एच बाई डब्ल्यू एल, ये हो जाएगा इंपैक्ट लोडिंग के समय स्ट्रेस की वैल्यू। स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई ए ब्रैकेट वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस टू ई एच बाई डब्ल्यू एल, जिसमें जो भी टर्म्स हैं आपको मैंने पहले बता दिया है क्या क्या है। डब्ल्यू लोड है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, ई इलास्टिक कॉन्स्टेंट है या इलास्टिसिटी है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, एच जो है ये हाइट है जिस हाइट से कॉलर पे गिराया जाता है लोड डब्ल्यू, और एल इसका लेंथ है, एल इसका लेंथ है। ठीक, अब देखिए अगर इसमें एच हमने जीरो कर दिया तो फार्मूला आ जाएगा, ये टोटल जो है जीरो हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा सडनली लोडिंग का। सडनली लोडिंग मतलब सिग्मा इज इक्वल टू टू डब्ल्यू बाई ए, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए तो सडनली लोडिंग का केस आ जाता है। अब इसमें क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए ब्रैकेट में वन प्लस माइनस, ये इतना सारा टर्म है रूट में वन प्लस टू ई एच बाई डब्ल्यू एल, मतलब इंपैक्ट लोडिंग के केस में स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, अब यहां पे प्लस माइनस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि लोड डब्ल्यू जब इस पे गिरेगा कॉलर पे तो इसकी लंबाई बढ़ती है, डेल्टा एल बढ़ती है, इस नाते यहां पे प्लस हम लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए ब्रैकेट में वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू ई एच बाई